राजस्थान के दौसा में भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में रविवार को दौसा में आयोजित होने जा रही विशाल कलश एवं शोभा यात्रा को लेकर ब्राह्मण समाज के द्वारा जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। जन्मोत्सव समिति के सदस्य ऋषभ शर्मा ने बताया कि शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा के सफल आयोजन के लिए ब्राह्मण समाज की ओर से जोर शोर से तैयारी की जा रही है। इसके लिए प्रशासन से भी अनुमति ले ली गई है। शोभा यात्रा दौसा शहर के आगरा रोड स्थित श्री परशुराम धर्मशाला से रवाना होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए बेला मैदान बारादरी दौसा पहुंचेगी, जहां जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए समाज के लोगों के साथ ही समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों व जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया जा रहा है। समिति के सदस्य सुभाष बोहरा ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जन्मोत्सव समिति के सदस्यों द्वारा दौसा शहर सहित आसपास के अनेकों गांव में जनसंपर्क कर कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई है। देखिए, परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो 15 तारीख को यानी कल जो कार्यक्रम होने जा रहा है, भव्य कलश रैली और शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसके पश्चात बारादरी मंदिर पर सभा होगी, स्वागत के कार्यक्रम होंगे, उसके पश्चात भोजन की व्यवस्था है। सभी ब्राह्मण बंधुओं से मेरा आग्रह है, सभी विप्र बंधुओं से मेरा आग्रह है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में पहुँचे। जहाँ तक प्रशासन की तरफ से परमिशन मिलने की बात थी, वो हमें मिल चुकी है कि इसमें कतई कोई संदेह है या संशय नहीं रखे कोई भी अपने मन में। परमिशन हमें मिल चुकी है और पूरे जोर शोर से इस शोभा यात्रा को सफल बनाएं। सभी लोग जो भी इस मैसेज को देखें, वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में या इसमें जन्मोत्सव कार्यक्रम में पहुंचकर इसको सफल बनाएं और इस कार्यक्रम को में आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।